नरसिंहगढ़ में गोपाष्टमी पर अन्नकूट दर्शन प्रसादी की सदियों पुरानी परंपरा मंदिर झाली के मंदिर में आज भी बरकरार है। मंदिर झाली आश्रम का निर्माण सन 1975 से सन 1800 के मध्य चैन से की बड़ी माँ झाली रानी को झाला गोत्र की थी उन्होंने करवाया था। मंदिर प्रबंधन आचार्य राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि सन 1922 में झाली ऋषि सदगुरुदेव पंडित मोतीलाल महाराज मंदिर के पुजारी पद पर नियुक्त हुए। 1926 से अन्नकूट महोत्सव की परंपरा प्रारंभ हुई जो आज तक अनवरत होती है। विगत 2-3 वर्षों में लॉकडाउन तथा मंदिर पुजारी आचार्य राघवेंद्र के पिता गुरुदेव के निधन के कारण अन्नकूट का आयोजन नहीं किया गया। उसके पश्चात आज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम भगवान का वैदिक विधि से पूजन किया गया। भगवान गिरिराज का पूजन कर इस बार भी गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाल जी का अन्नकूट महोत्सव धूमधाम पूर्वक संपन्न हुआ। अन्नकूट में नगर के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों से आए श्रद्धालुओं ने भी दर्शन एवं महाप्रसादी का लाभ लिया। कार्यक्रम का संपादन प्रबंधन आचार्य राघवेंद्र शर्मा झाली आश्रम द्वारा किया गया। का आयोजन है कितने वर्षों से किया जा रहा है और क्या विशेष है आज? ये यहाँ पर 1926 में सबसे पहला अन्नकूट उत्सव यहाँ के महंत जी पंडित मोतीलाल जी महाराज जो मेरे दादाजी थे उन्होंने शुरू किया था। 1926 से अनवरत जो है भगवान को 56 भोग यानी अन्नकूट महोत्सव है। ये 56 भोग तो क्या अन्नकूट महोत्सव है जिसमें भगवान को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और सभी श्रद्धालु इसमें शादी ग्रहण करते हैं। प्रतिवर्ष की परंपरा है। 1926 से लेकर के अभी तक ये 97 वह अन्नकूट महोत्सव रहा। बीच में कोरोना काल में शासन से अनुमति नहीं मिली।